जय हिंद दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती निकाली हुई है कक्षा 8 पास, 10th पास और ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग भर्ती निकाली हुई है। ये फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन ही भरा जाएगा, यानी कि ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो ये जो जॉब लोकेशन है ये लखनऊ जोन में पड़ता है, तो ये लखनऊ के आसपास डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग होगी। तो पोस्टिंग की जो डिटेल है, बाराबंकी में हो सकती है पोस्टिंग, तो बाराबंकी लखनऊ में हो सकती है पोस्टिंग, तो ध्यान रखें। इसके बाद लखनऊ एक दिया हुआ है और एक है बाराबंकी, दो जगह पोस्टिंग हो सकती है। इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल शुरू करें, उससे पहले बता दें हमारे चैनल में जॉब्स रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट बात करें, जो फैकल्टी की भर्ती है लखनऊ के लिए एक पद के लिए है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि इसकी पेमेंट जरूर कम रहती है, लेकिन जो लोकल हैं उनके लिए 20,000 रुपये कोई कम नहीं है, 20,000 काफ़ी होते हैं, 20,000 मंथली मिलेगी। और ऑफिस असिस्टेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ऑफिस असिस्टेंट की, जिसमें कि लखनऊ के लिए 2 वैकेंसी हैं और बाराबंकी के लिए भी 2 वैकेंसी हैं, उनकी जो मंथली 15,000 पेमेंट मिलेगी मंथली। ऑफिस असिस्टेंट की दूसरी जगह दूसरी भर्ती है, एक वैकेंसी लखनऊ की और बाराबंकी की एक वैकेंसी है, उसकी सैलरी रहेगी 8,000। तो ऑफिस असिस्टेंट की जो रहेगी 15,000, ऑफिस अटेंडेंट की रहेगी 8,000। इनकी एजुकेशन की बात करें तो पहले एक वॉचमैन की या गार्डनर की देख लेते हैं, दो दो वैकेंसी लखनऊ और बाराबंकी में। इनकी सैलरी 5,000 रहेगी पर मंथ, ये ध्यान रखें, ये पर मंथ बेसिक है। इसके साथ में और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, तो वो आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो मिलती हैं वो सब मिलेंगी। इसमें भी एक चीज़ बता दें, एजुकेशन कितनी किस में रिक्वायरमेंट है पूरी नोटिफिकेशन में दिया है, लेकिन मैं इसी में बता देता हूँ। फैकल्टी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए 10th पास होना ज़रूरी है, जो भी ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बाराबंकी में करें चाहे लखनऊ के लिए करें। इसके लिए इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी 10th पास मांगा गया है, जो भी ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10th पास होना ज़रूरी है। वॉचमैन के लिए 8th पास होना ज़रूरी है, चाहे बाराबंकी के लिए अप्लाई करें चाहे लखनऊ के लिए। तो वॉचमैन के लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है। अभी ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बता देते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं दी है, जो भी जाए पहले इसमें फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि ये जॉब लोकल ही जॉब है, तो लोकल लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादा दूर के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोकल वाले में। अभी एक और है फाइनेंशियल लिटरेचर काउंसलर, इसकी भी एक वैकेंसी है, बाराबंकी में 18,000 सैलरी है उसकी। ये जो जॉब रहेगी कंट्रैक्ट बेसिक पर रहेगी, कंट्रैक्ट बेस पर रहेगी, ध्यान रखें कंट्रैक्ट बेस पे है। मिनिमम 2 साल का कंट्रैक्ट आपको करना ही होगा अगर जॉब लेनी है तो। इसके बाद इनकी वेबसाइट में भी आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, www.bankofindia.com.in पर लॉग इन करके, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके थ्रू देख लें। अभी फॉर्म जो भरा जाएगा ऑफलाइन जमा करना होगा, तो ऑफलाइन फॉर्म भेजने का जो डेट है 15/11/2021 से पहले ऑफलाइन फॉर्म भर दें और वहाँ तक पहुँचा दें, नहीं तो बाई पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म भी इसी में हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यही फॉर्म इसी में मिल जाएगा आपको, इसका प्रिंट निकलवा लें और फॉर्म जमा कर दें। ये फॉर्म रहेगा परफार्मा है, फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म का, इसका एड्रेस इस एड्रेस पे भेजना है आपको, टू जोनल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ, जो भी लखनऊ और बाराबंकी या कानपुर इलाहाबाद के आसपास हैं वो इसमें जरूर भर दें, क्योंकि ये आपको किसी वेबसाइट में नहीं मिलेगा। वेबसाइट या तो इनकी डायरेक्ट वेबसाइट में जाओ, नहीं तो आपको दूसरे किसी उसमें नहीं मिलेगा, इनकी वेबसाइट पे ही ये अप्लीकेशन मिलेगा या नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप अप्लाई कर दें अगर आप लोकल हैं तो। इसमें फ़ोटो भी लगेगी, फ़ोटो और जो आप पोस्ट अप्लाई करना चाहें बाराबंकी या लखनऊ के उसमें, तो इसमें अप्लाई कर दें, पोस्ट का नाम डाल दें। इसके बाद पूरी डिटेल इसमें भर देना है, इस फॉर्म में ज़्यादा डिटेल है नहीं, एजुकेशन का भी डालना है, अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो कंप्यूटर का नॉलेज भी लिख सकते हैं अगर असिस्टेंट के लिए। और दूसरा है ये जो रिटायर हो गए एम्प्लॉयमेंट
पब्लिक सेक्टर बैंक के, तो वो भी भर सकते हैं। उनकी एज 65 साल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ये फॉर्म दिया है, वो उनको भर के देना होगा, जो भी रिटायर्ड पर्सन अगर भरना चाहे। इसके बाद बात करें जो एज की, क्या एज रहेगी, तो एज की बता दें कि एज रहेगी 18 साल से 60 साल के बीच में एज रहेगी। और जो 18 से 60 एज रहेगी, कोई फीस पेड नहीं करनी है इसमें, किसी भी तरह की फीस देनी नहीं है, तो ध्यान रखें। इसमें जो लास्ट डेट है 15/11/2021 तक फॉर्म अप्लाई कर दें। इसमें जो छुट्टी मिलेगी 12 दिन एनुअल की मिलती है, 12 दिन एनुअल लीव, और बाकी छुट्टी और भी है वो तो आप जो बैंक में छुट्टी मिलती है उस हिसाब से मिलती रहेगी इसमें छुट्टी। अभी इसमें एक चीज देख लेते हैं, जो एज का दिया हुआ है, एज कितनी चाहिए। मिनिमम एज 18 से 43 वर्ष की होनी चाहिए, 18 से 43 के बीच में होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो 18 से 43 वाले सभी अप्लाई करते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें कोई कैटेगरी नहीं दी है, तो जो भी अप्लाई करें, तो जो स्टेट गवर्नमेंट में जो एज रिलैक्सेशन और वो कैटेगरी का जो दिया हुआ है, सारा एज पर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही मिलेगा, ध्यान रखें। तो ये था जो बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपके स्टेट के वीडियो मिलते रहेंगे। इसमें मैट्रिक मांगा गया, जो भी मैट्रिक पास है भर लें, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद।